بسم الله الرحمن الرحيم. Today's lecture is dedicated specifically to youngsters who have just passed their university level and they are searching for jobs. Allah ke Rasool sallam ki unke liye kya nasihat hai? Pehli nasihat to yahi hai ki namaz fajr ke baad Allah ke Rasool sallam ye dua padha karte hain. Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiba wa 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Sari ye cover kar liye. Ki rizq de jo paak ho. इल्म जो नफ़े वाला हो और अमल कौन सा जो कबूल होने वाला हो. दूसरी चीज़, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दिलाई कि बंदा घर से बाहर निकले. सिर्फ तवक्कल करना काफ़ी नहीं है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तवक्कल सीखना है तो बंदा परिंदों से सीखे कि वो लरुज़िक तुम कमात यरज़िकु तैरा तवदुफ़ी मसन वतरुख़ बताना कि निकलते हैं वो खाली पेट और जब वापस आते हैं तो क्या होता है, उनका पेट भरा हुआ होता है. वो घर से निकलना शर्त है. दूसरी बात, सबसे ज़्यादा अच्छी कमाई कौन सी है? अल्लाह के नबी सोसम फरमाते हैं इन अहक्का मा अखस्तुम अलैहि अजरन किताबुल्लाह कि बेहतरीन कमाई कौन सी है? बेहतरीन कमाई वो है जो बंदा कुरान के इल्म सिखा कर हासिल करता है. कुरान और हदीस का इल्म सिखा कर जो हासिल करता है वो बेहतरीन कमाई है. वो ज़्यादा हक रखती है कि उस पर अजर हासिल किया जाए, कमाई हासिल की जाए. दूसरी चीज़, अल्लाह के नबी सोसम से सहाबा ने पूछा कि बेहतरीन कमाई कौन सी है, पाक कमाई कौन सी है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमल रुजुली बियदिही व कुल्लु बाइइन मबरूर कि वो कमाई जो तू कमाए अपने हाथ से, और हर आयबदार बिजनेस या बुराई से पाक फैलते तो हाथ से कमाने वाली थी. और ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने भाई दाऊद अलैहि सलाम के बारे में ना याकुलु मिन अमलिन यदिही कि वो अपने हाथ से कमाया करते थे, कमाकर खाया करते थे. दाऊद अलैहिस्सलाम जिसको जिनको अल्लाह ताला ने नबूवत के साथ साथ बादशाहत अता की वो अपने हाथ से कमाया कर खाया करते थे. और कुरान मजीद इसी गवाही देता है, कहता है अमी अमल सौदेगा कि वो लोहे की जरहें बनाया करते थे, लोहे का काम किया करते थे. तो दो चीज़ें कि बंदा कुरान और हदीस के इल्म से कमाए, अपने हाथों से कमाए. तो अल्लाह ताला ने हाथ से कमाने में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बड़ी बरकत दी सर्विस इंडस्ट्री के बनस्पत. तो हम जो वाइट कॉलर जॉब्स ब्लू कॉलर जॉब्स कहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इज्जत किसको दी? वो कि जो हाथ से कमाकर अपना प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसको दी. तो अल्लाह ताला हमें भी कुरान हदीस पढ़ने, अमल करने और उसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए. अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह लि वलकुम.